हेलो फ्रेंड्स गाइस, आज का हमारा सब्जेक्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये फ्यूचर का थर्ड टेंस है। ठीक है, लास्ट हमने किया था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसकी पहचान, इसके रूल्स और इसके सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं और सिचुएशन देख लेते हैं क्या है। गाइस, इसकी पहचान है जिन वाक्यों के पीछे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, जैसे लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी, इस तरह की जो वाक्य दिए गए होते हैं उनमें हम पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसके रूल्स क्या हैं। सब्जेक्ट है सबसे पहले, उसके बाद विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो, आई वी यू दे सबके साथ क्या लगेगा, विल हैव ओनली। क्लियर है, वेरी इजी। ठीक है, अब इसकी सिचुएशन देख लेते हैं। इसकी सिचुएशन है कि कोई इंसान जब प्रेजेंट में खड़ा होकर फ्यूचर के बारे में सोचता है। ठीक है, जैसे ये पर्सन अभी प्रेजेंट में खड़ा है और फ्यूचर में ये सोच रहा है कि मैं कल ये काम कर चुका हूँगा। ठीक है, जैसे कल आने वाला कल, ठीक है, मैं ये काम कर चुका हूँगा, मैं 9 बजे तक दिल्ली पहुँच चुका हूँगा, मैं ये खा चुका हूँगा, अभी वो काम हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन ये अपने माइंड में सोच रहा है प्रेजेंट में खड़ा होकर कि कल या अगले महीने या अगले साल तक मैं ये काम कर चुका हूँगा आने वाले कल में। क्लियर है, आने वाले टाइम में जब कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा तो उस टाइम पे ये कौन सा टेंस यूज़ करेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट में खड़े होकर जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि मैं ये कर चुका हूँगा, मैं खा चुका हूँगा, मैं दे चुका हूँगा, ठीक है, उस टाइम हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं एक बार। जैसे मैं कल इस समय तक खेल चुका हूँगा। ठीक है, आई विल हैव, एक ही लगेगा किस सबके साथ, एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, आई विल हैव थर्ड फॉर्म प्लेड बाय नाउ टुमारो, कि मैं कल इस समय तक, बाय नाउ इस समय, ठीक है, कल टुमारो मैं खेल चुका हूँगा। वो प्रेजेंट में खड़ा होकर फ्यूचर के बारे में सोच रहा है जो काम हो चुका होगा। ठीक है, वे नया घर खरीद चुके होंगे, दे विल हैव बॉट थर्ड फॉर्म अ न्यू हाउस, वो नया घर खरीद चुके होंगे, अभी वो सिर्फ सोच रहे हैं, वो काम अभी हुआ नहीं है। अभी नेगेटिव में देख लेते हैं, इसकी क्या है रूल, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, विल और हैव के बीच में नॉट आएगा, ये मेन चीज़ है याद रखने वाली, विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सीमा ने तुम्हें नहीं देखा होगा, सीमा ने तुम्हें नहीं देखा होगा, सीमा विल नॉट हैव सीन यू। ठीक है, सीमा विल नॉट हैव सीन यू। नेक्स्ट है, वह कल इस समय तक नया घर नहीं खरीद चुके होंगे, दे वे, ठीक है, होंगे ज़्यादा है, दे विल नॉट हैव, ठीक है, बॉट थर्ड फॉर्म न्यू हाउस बाय नाउ टुमारो, वह कल इस समय तक नया घर नहीं खरीद चुके होंगे। क्लियर है गाइस, आगे देखते हैं इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक, जिसमें हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वो बाहर आएगा, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हैव आएगा। क्लियर है, ये हमें यही याद करने लायक चीज़ है। सबसे पहले इंटरोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देख लेते हैं इसकी फॉर्मेशन, क्या वो खेल चुका होगा, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, क्या वो खेल चुका होगा, विल ही हैव प्लेड, ठीक है, सबसे पहले विल, ठीक है, सब्जेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव में, क्या सीमा ने तुम्हें नहीं देखा होगा, इसमें क्वेश्चन भी है और इसमें नेगेटिव भी है, क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, इसके रूल्स मैंने आपको यहाँ नीचे दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। विल सीमा नॉट हैव सीन यू, इसमें क्या है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। ठीक है, विल सीमा नॉट हैव थर्ड फॉर्म सीन यू ऑब्जेक्ट। क्लियर है गाइज, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें याद करना ही पड़ेगा, इसके बेसिस पे ही आप सेंटेंस की फॉर्मेशन ईजिली कर सकते हो।
अगर आपको ये आ गया तो समझ लीजिए आप नॉर्मली इजीली सेंटेंस बना सकते हो अपने आप से, ठीक है। अब देखते हैं WH फैमिली। WH फैमिली में क्या करना है कि हमें जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव है उसमें हमें सबसे पहले WH फैमिली लगानी है, ठीक है। उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर है गाइज? नॉट में भी WH फैमिली सबसे पहले आएगी, बाकी रूल एज इट इज़ रहेगा। देख लेते हैं, वह क्या खेल चुका होगा, वह क्या खेल चुका होगा। वो अपने दिमाग में प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि वो क्या खेल चुका होगा। वॉट विल ही हैव प्लेड, ठीक है। अगर नेगेटिव में बनाएं तो कैसे बनेगा, वॉट विल ही नॉट हैव प्लेड। क्लियर है गाइज? सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, वॉट विल ही नॉट हैव प्लेड, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो गाइज प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।